इसका ई है, बेस 10 होता तो इसकी वैल्यू 3 होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा टी बाय 20, तो टी की जगह 0, 0 बाय 20 प्लस सी, तो सी का वैल्यू लॉग 1000 आ गया। वो वैल्यू यहाँ रखेंगे, वो वैल्यू कहाँ रखेंगे, वो वैल्यू हम इसमें रखेंगे, तो वो वैल्यू मैं इसमें रखता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास लॉग पी बेस ई टी बाय 20 प्लस लॉग ऑफ 1000 बेस ई। अब बोल रहा है कि रुपीज 1000 जो है आफ्टर 10 ईयर्स इसकी क्या वर्थ होगी, तो व्हेन टी इज 10 ईयर्स, तो व्हेन टी इज 10, जब टी का वैल्यू 10 होगा तो क्या होगा, तो लेट्स सी व्हेन टी इज 10, व्हेन टी इज 10, 10 ईयर्स लिख दो, 10 लिख दो, यहाँ पे तो न्यूमेरिकली 10 ही लिखना पड़ेगा। लॉग पी बेस ई टी की जगह आ जाएगा 10 अपॉन 20 प्लस लॉग आपके पास आ जाएगा 1000, और ये हो गया आपके पास लॉग पी। ये था आफ्टर 10 ईयर्स लॉग पी 10 बाय 2, ये हो गया 0.5, और इसका वैल्यू हो जाएगा आपके पास लॉग 1000, तो लॉग 1000 को आप इधर ले लें, तो ये हो जाएगा आपके पास लॉग पी माइनस लॉग 1000 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 0 से 0 कैंसिल, 1/2 इज 0.5, ये लॉग पी अपॉन लॉग एम माइनस लॉग एन इज लॉग एम अपॉन एन, तो लॉग पी अपॉन 1000 इज इक्वल टू 0.5। इसमें बेस इसका ई है, कीप दिस थिंग इन माइंड। तो एंटी लॉग लेंगे जब, तो एंटी लॉग इस तरह से होगा, ध्यान से देखिएगा, पी अपॉन 1000 इज इक्वल टू ई टू द पावर आपके पास आएगा 0.5। अब ई टू द पावर 0.5 का वैल्यू दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, 1.648, इट इज गिवन दैट इट्स वैल्यू इज 1.648, नहीं दिया होता तो आप इसी में छोड़ देते, तो ये आपका 1000 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1000 इंटू दिस विल बी 1648, 1648 रुपीस, इतना आपका अमाउंट हो जाएगा जो आपका प्रिंसिपल है। 10 साल बाद ये आपको मिलेगा, या 10 साल बाद ये जाके आपका प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल बन जाएगा 10 साल बाद, जिसको अभी आप अमाउंट कहते हो। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। नाउ लेट्स डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज बायोलॉजी में देखना है आपको, कि हाउ डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी यूज्ड इन बायोलॉजी। अभी आपने देखा मेडिकल साइंस में या बायोलॉजी में आप देखेंगे, इन अ कल्चर तो द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22, और क्वेश्चन है इन अ कल्चर, कल्चर एक रिपोर्ट है आपको मालूम है, इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख, द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख। एक कल्चर मतलब एक रिपोर्ट है, जैसे मेडिकल रिपोर्ट होती है उसी तरह के कल्चर की एक रिपोर्ट होती है, बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख। आप छोटे बच्चे हैं तो हो सकता है आपको इस रिपोर्ट की ज़रूरत ना लगी हो, 1 लाख है। द नंबर इंक्रीज इन बाय 10%, द नंबर दिस नंबर इंक्रीज बाय 10%, 10% बहुत तेज़ी से बढ़ता है इन 2 आवर्स, 2 घंटे में जो नंबर है वो 1 लाख से 10% बढ़ जाएगा। तो अभी 1 लाख है तो 1 लाख का 10%, 1,10,000 हो जाएगा कितनी देर में,
इन 2 आवर्स, बहुत कम समय में इन्फेक्शन इसी तरह से फैलता है। इन हाउ मेनी आवर्स, अब आपको टाइम पता लगाना है, तो टाइम को हम बता देते हैं, कोई टाइम को टी अज्यूम कर लेते हैं। इन हाउ मेनी आवर्स टी निकालना है, जब जो बैक्टीरिया काउंट है, व्हेन बैक्टीरिया काउंट विल रीच टू लैक्स। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं लिखा मैंने, क्वेश्चन लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। और जो ये दिया हुआ है कि द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ये इंपॉर्टेंट चीज है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, प्रेजेंट नंबर ऑफ बैक्टीरिया, प्रेजेंट नंबर ऑफ बैक्टीरिया, ये दिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, आइए मिलके सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखें। तो बहुत बिल्कुल पेशेंस रखना है और ध्यान से समझते जाना है, कुछ खास नहीं है। तो नंबर जो ध्यान से देखें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो पहले हम नंबर जो बैक्टीरिया, प्रेजेंट बैक्टीरिया है, तो पी मान लेते हैं उसको, इसकी ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी सी तो हम थोड़ी देर के लिए इसको रखते हैं। पी क्या चीज़ है, प्रेजेंट नंबर ऑफ बैक्टीरिया, मैं ये सर बैक्टीरिया BACT लिख के छोड़ देता हूँ, बैक्टीरिया, प्रेजेंट नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर, कल्चर में जो पता लगा, तो उसमें जो ग्रोथ है, रेट ऑफ ग्रोथ, तो रेट ऑफ ग्रोथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, DP/DT, चेंज इन प्रेजेंट नंबर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में जो चेंज है वो, उसकी जो ग्रोथ है वो क्या होगी आपकी, DP/DT, वो किसके प्रोपोर्शनल है, पी के। तो DP/DT मीन्स चेंज इन, मीन्स ग्रोथ इन बैक्टीरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज प्रोपोर्शनल टू पी, चेंज इन पी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज प्रोपोर्शनल टू पी। अब आपको मालूम है प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो यहाँ के लगेगा, तो DP/DT विल बी वॉट, DP/DT विल बी KP, क्लियर। अब दिस कैन बी मेड अ वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, अब इसको एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं, वेरिएबल सेपरेट करके। तो ध्यान से सुनो, तो ये हो जाएगा DP/P इज इक्वल टू KdT, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, वेरिएबल सेपरेबल आ गई, DP/P इसका इंटीग्रेशन होगा log P, बेस E इसका हो जाएगा KT प्लस C, इंटीग्रल कांस्टेंट है C। अब स्टार्टिंग में जो नंबर था, शुरू में प्रेजेंट नंबर ऑफ बैक्टीरिया आपने देखा होगा या आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, वो 1 लाख था। तो व्हेन टाइम वाज 0, जब रिपोर्ट आई थी, जब टाइम 0 था, तो पी का वैल्यू 1 लाख था, 100,000 था। तो मैं यहाँ पर जगह की, फिर हमारे पास शॉर्टेज है, तो आपको थोड़ा सा मेरे साथ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और यहाँ ये मैं रब कर देता हूँ, तो काफ़ी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी, तो हमारे पास जगह काफ़ी मिल जाएगी हमें लिखने के लिए। तो ध्यान से देखिएगा आप, अब आप इसमें रख दें तो ये हो जाएगा आपके पास log P/KE(0+C), ओ पी की जगह 1 लाख लिखना था, ये लिख दिया, सी का वैल्यू आ गया दोस्तों, सी का वैल्यू कितना आ गया अपने पास, log 100,000 है जो सी का वैल्यू है। वो वैल्यू कहाँ रखेंगे हम,
वो वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो वो वैल्यू हमको यहाँ रखनी है, तो ये हो जाएगा log 100,000। आप लिख दीजिएगा इस इक्वेशन से उसमें रखा, उससे उसमें रखा, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम रब कर देते हैं। अब बोल रहे क्या पूछा है, आगे की बात देखो, द नंबर इंक्रीजेज बाई 10% इन 2 आवर्स, तो गिवन दैट द नंबर इंक्रीजेस बाय 10% इन 2 आवर्स, और ये चीज़ आपको निकालनी है, इसको आप दिमाग में रखेंगे ये वाली बात को, अभी हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं कि नंबर इंक्रीजेस, तो नंबर अब कितना हो जाएगा 10% से जब बढ़ जाएगा, तो नंबर जो बढ़ के हो जाएगा, तो प्रेजेंट नंबर उस समय पे 1,00,000 का 10% बढ़ जाएगा, तो 1,10,000 हो जाएगा। केवल 10,000 नहीं लिखेंगे, नंबर बढ़ के पहले 1,00,000 था, 10% और बढ़ गया, तो अब नंबर इतना हो गया, और पी को हमने कहा है प्रेजेंट नंबर ऑफ बैक्टीरिया, और टी की वैल्यू कितनी है 2 आवर्स, 2 घंटे में इतना हो गया, तो अब हमारे पास इसमें रखेंगे वैल्यू लॉग 1,10,000 इज इक्वल टू के इंटू 2 प्लस लॉग 1,00,000 100,000। तो इसको आप उधर ले लें, के की वैल्यू निकालनी है हमें, तो के की वैल्यू निकालनी है, तो आप उसको उधर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका लॉग 110,000 माइनस थोड़ा यहाँ से लिख देता हूँ मैं नीचे से, ताकि आपके अपने पास जगह और अच्छी हो जाएगी, तो ये वैल्यू यहाँ लिख देंगे हम log 110,000 बेस ई माइनस वो जो log 100,000 है उसको इधर ले लिया, 100,000 उसको इधर ले लिया, और के इंटू में 2 है, तो वो 2 को मैंने इससे डिवाइड कर दिया, तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, के की, दिस वैल्यू विल बी ऑफ के की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी के की वैल्यू, तो के की वैल्यू होगी, लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे हम 1/2 लॉग 110,000 अपॉन 10,000, ये 000 सॉरी 100,000 है, 100,000 ये 0 से 0 कैंसिल, ये वैल्यू आ गया के का, क्या वैल्यू आया के का वैल्यू आ गया है 1/2 log 11/10, 1.1 भी लिख सकते हो आप, इट इज़ अप टू यू। तो ये दोस्तों k की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू पहले आ गई थी, k की वैल्यू अब आ गई है, तो ये वैल्यू मैं k की यहाँ रख देता हूँ, दिस वैल्यू आई नीड टू सब्स्टिट्यूट हियर, तो ये मेरे पास हो जाएगा log p बेस e इज इक्वल टू 1/2 log 11/10 इंटू टी, ये वैल्यू रख दी, ये लास्ट इक्वेशन आ गई, फाइनल इक्वेशन। अब हम क्या चाहते हैं, नाउ व्हाट डू वी एक्सपेक्ट, अब हम चाहते हैं टी की वैल्यू, कब टी की वैल्यू, जब बैक्टीरिया काउंट कितना हो जाएगा, तो बैक्टीरिया काउंट जब कितना हो जाएगा, जब बैक्टीरिया काउंट हो जाएगा 2,00,000, तो फिर क्या करेंगे, तो एट द लास्ट हम पी की जगह, ध्यान से सुनिएगा, पी की जगह क्या वैल्यू रखेंगे, तो पी की जगह हम रखेंगे 2,00,000 और यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो ये यहाँ पर रख देंगे log 2,00,200,000 इज इक्वल टू, और बेस इसका ई है, इसका भी बेस ई है, इसका भी बेस ई है, log 1/2 log 11/10 बेस ई प्लस log 100,000 log 100,000, अब 100,000 को इधर लाए आप, तो ये हो जाएगा आपके पास log 200,000 माइनस, अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको अब हम रब कर सकते हैं, माइनस log 100,000, ये 100,000 हो गया, ये वैल्यू किसके बराबर है, इंटू टी भी है दोस्तों, यहाँ इंटू टी, कीप दिस थिंग माइंड,
ये इनटू में है, तो ये टी यहाँ पर आएगा, टी प्लस वो पावर में दिख रहा था तो इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया, तो यहाँ पर टी है। और अगर आपको यहाँ क्लियर नहीं हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वैसे होपफुली आपको होगा क्लियर, फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ भी लिख सकते हैं इवन एंड आई कैन राइट हियर टी। तो ये हमारे पास आएगा टी बाय टू लॉग 11/10। अब हमें दोस्तों इसकी ज़रूरत नहीं है, तो अब लॉग की प्रॉपर्टी लेफ्ट हैंड साइड में आपको समझ में आ रही होगी बात, लॉग एम माइनस लॉग एन विल बिकम लॉग एम अपॉन एन 200,000 अपॉन 100,000। पेंटा जीरो से पेंटा जीरो काट लीजिए, टी अपॉन टू लॉग 11/10। अब टी की वैल्यू निकालना है तो टू को इधर भेज देंगे तो जाएगा टू लॉग टू, चाहेंगे तो आप पावर में भी ले जा सकते हैं, और इसको नीचे भेज दीजिए लॉग 11/10 बेस ई, इसका भी बेस ई है, इज इक्वल टू टी। और सवाल आर्स का था इसलिए आंसर क्या होगा आर्स में, ये आपका दोस्तों आंसर होगा। और इसमें आप लॉग टू की वैल्यू, इसकी वैल्यू लॉग टेबल मंगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको आपको हिंट दी होगी किस बात की कि इसकी वैल्यू ये है इसकी वैल्यू ये है, तो आप इसको यूज़ करिए, अदरवाइज आप अपने आंसर को वहीं पे छोड़ दीजिएगा। तो इन दिस वे हमने देखा कि ये कितना अच्छा सवाल है और इंस्पायरिंग भी है, इट मेक्स अस अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू फॉर्मुलेट एंड टू सॉल्व एन इक्वेशन, एक इक्वेशन कैसे फॉर्मुलेट करते हैं। हालांकि इसमें आपने सॉल्यूशन देखा, पर अगर आप इसके रिवर्स ऑर्डर में जाओगे तो क्वेश्चन में आपको एक तरीके से फॉर्मुलेशन था, फिर हमने उसको सॉल्व किया और सॉल्व करके आपको टाइम का वैल्यू निकाला। अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 23, एक्सरसाइज है 9.4 डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड द क्वेश्चन इज टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, dy/dx इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस y, वी आर एक्सपेक्टेड टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है dy/dx। तो अगेन आई रिमाइंड यू दिस इज फ्रॉम एक्सरसाइज 9.4, बुक इज NCERT, एक्सरसाइज चैप्टर इज डिफरेंशियल इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 23, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, एंड टू सॉल्व दिस वी शैल राइट e टू द पावर x प्लस y एज e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y यूजिंग लॉ ऑफ इंडाइसिस, a टू द पावर m प्लस n, आई कैन राइट a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, एंड दिस वी कैन राइट dy upon e to the power y is equal to e to the power x dx, variables have been separated, y वाली चीज़ें y की तरफ, x वाली x की तरफ, ऊपर ले लें इसको तो ये हो जाएगा e to the power minus y dy, again law of indices, power ऊपर जाएगी minus हो जाएगी, integration of e to the power minus y will be what, e to the power minus y upon minus 1, इंटीग्रल ऑफ दिस विल बी वॉट ई टू द पावर एक्स प्लस एन इंटीग्रल कॉन्स्टेंट सी प्लस अपॉन माइनस इज माइनस ई टू द पावर वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस सी। आप इसके आंसर पे देखें कि आंसर क्या चाहता है, तो आंसर में इसमें सी को अगर आप इसको इधर ले लेंगे तो जाएगा ई टू द पावर एक्स e टू द पावर y, और c उधर ले लेंगे तो माइनस सी होगा, तो डोंट बी कन्फ्यूज, आप c की जगह माइनस सी भी ले सकते थे, और आपने यहाँ माइनस सी लिख दिया है तो दिस c माइनस सी कैन बी रिप्लेस बाय k, आपके इक्वेशन में k लिखा है उसमें c लिखा है, इट डज़ नॉट मैटर, वहाँ 2c भी लिखा हो सकता था, c/4 भी लिखा हो सकता था, इट डज़ नॉट मैटर। तो आप ये मत सोचो कि हमने यहाँ पे पहले प्लस सी ले लिया, तो यूजअली वी यूज टू टेक प्लस सी, आप प्लस सी की जगह पहले के ले लें, यहाँ भी के ले लें, यहाँ आ जाएगा आपका माइनस के, नाउ यू कैन दिस रिप्लेस दिस माइनस के बाय व्हाट, यू कैन रिप्लेस दिस बाय सी, सो दिस विल बी योर आंसर, सॉरी ई टू द पावर माइनस वाई इज देयर,
तो e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस y. तो आई थिंक द क्वेश्चन नंबर दिस हैज सॉल्यूशन, सॉरी ऑप्शन वन पहला ऑप्शन है इसका. तो होपफुली आपको समझ में आया होगा. अगर आप सोचते हैं कि आई पुट सम एफर्ट्स फॉर यू पीपल, तो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों तक बात पहुंचाएं. ये मेरा नहीं आपका चैनल है, आपको इसे आगे बढ़ाना है. एंड आई हैंड ओवर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यू पीपल. माई बेस्ट विशेस विद यू, विश यू ऑल द बेस्ट.